हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन टर्ना वाला। तो भाई लोग, आज एक कनप्पा का हिंदी के ट्रेलर आ गया है जो कि बहुत ही दमदार होने वाला है। तो आज हम बताएंगे कि एक ऐसा शिव भक्त जो भगवान के सामने अपना आँख निकाल कर दान कर दिया, एक ऐसा शिव भक्त जो भोलेनाथ को मांस अर्पित कर दिया, एक ऐसा शिव भक्त जो कुल्ले से भगवान को जल अर्पित कर दिया। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है भाई लोग। तो पहले हम इसका ट्रेलर का रिएक्शन कर लेते हैं, फिर इसकी पूरी कहानी ए टू जेड बताएंगे। तो ऐसे ही कहानी और रिएक्शन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैसे करेंगे राहुल जी सब्सक्राइबर, जरा बता दें इसको। ऐसे ही तो चलते हैं, इसका पहले हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में पूरी कहानी बताएंगे। 3 2 1 लेट्स स्टार्ट। वायुलिंगम को लूटने गए हमारे सभी 50 आदमी मारे गए और तुम्हारा भाई टेकना भी मारा गया। किसी को नहीं छोड़ा। 100 लोगों के लिए भी मेरे भाई को मारना संभव नहीं था। कितने लोगों ने मिलकर मारा उसे? तुम्हारे भाई को मारने वाला केवल एक आदमी था। कौन? तिन्नारू। तिन्नारू। ये कौन है भाई? कनप्पा शिवैया। तो दोस्तों, बहुत ही मस्त लगा ये टीजर कनप्पा का। तो भाई, कनप्पा जो है एक शिव भक्त है, मुझे लग रहा है कि इन्हीं के ऊपर ये फिल्म बनने वाली है। तो चलते हैं, पहले हमने बताया था कि इसकी कहानी आपके सामने बताएंगे, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो मेरे जानकारी के अनुसार बता दें कि हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्त मौजूद हैं और मौजूद थे पहले के ज़माने में भी, किंतु उसमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा विधि को जानता तक नहीं था, कैसे पूजा किया जाता था वो भी नहीं जानता था, लेकिन वो बहुत ही बड़े भक्त थे, यानी भक्ति में लीन हो जाते थे। उन्होंने हर वो चीज़ को जो शास्त्र के विरुद्ध हैं, जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी महादेव ने उसे दर्शन दिए और इस बात को सिद्ध करते हैं कि महादेव केवल अपने भक्त के भाव देखते हैं बल्कि उनको दर्शन भी देते हैं, जिसका नाम है कनप्पा। उनके जन्म के विषय में कई प्रचलित कथाएं भी हैं। मूल रूप से एक तमिल भील परिवार में जन्मे। इसके पिता का नाम राजा नाग एवं माता का नाम उडुप्पुरा था। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में इनकी बड़ी महत्व है। और आपने देखा होगा कि YouTube पर पहले तमिल साइड ट्रेलर आया, उसके बाद हिंदी ट्रेलर इसको रिलीज किया गया है। तो दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में इनकी बड़ी महत्व है। ये उनका 63 तमिल संतों में से एक है जिन्हें नए नार कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम नीला बताया गया है। ये एक व्याध थे जो शिकार कर अपना पालन पोषण करते थे। इनके जन्म के विषय में मान्यता है कि द्वापर युग में जब महादेव ने पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उन्हें प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में उनको महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि कलयुग में अर्जुन की कनप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। एक बार कनप्पा आखेट करते हुए, यानी कि घूमते घूमते दूर जंगल में निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अत्यंत प्राचीन और जीर्ण मंदिर मिलता है, यानी कि बहुत ही पुराना मंदिर मिलता है,
जब वे उस मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो उन्होंने एक दिव्य शिवलिंग का दर्शन करते हैं, यानी कि दिव्य शिवलिंग का दर्शन उनके सामने होता है। उसके दर्शन से ही कनप्पा के मन में शिव मंदिर का संचार हो जाता है, उनके ऊपर भक्ति उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को पूरा क्लीन किया, साफ किया, यानी कि देखते मंदिर देखते ही उनके मन में कुछ आ गया, ऐसा आ गया कि उनको लगा कि चलो भाई यहाँ हम पूजा पाठ करेंगे, इसलिए वो मंदिर को पूरा साफ किया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया। उन्होंने शिव पूजा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, पूजा करने के लिए वो रेडी हो गए, टेंपल भी क्लीन किया, लेकिन उनको कैसे पूजा किया जाता है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने और पीने को ही दे दिया जाए पहले, क्योंकि महादेव बहुत दिन से भूखे हैं, यहाँ तो कोई आता नहीं है। ये सोचकर वे जंगल गए और एक सुकर का शिकार किया, यानी कि एक जानवर का शिकार किया, उसे काटकर वे उसका मांस एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ मधु इकट्ठा कर लिए। जल के लिए कोई और उपाय ना दिखा तो उन्होंने अपने मुंह में ही जल भर लिया। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि उन्होंने कुल्ला से जलाभिषेक किया था, तो उन्होंने कोई उपाय नहीं सुझा तो क्या कि अपने मुंह में ही पानी भर लिए। वे वो सामान लेकर मंदिर आए तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते के टुकड़े टूट कर गिरे हुए हैं। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग से पत्ते हटाए, क्योंकि उनका मुंह पानी भरा हुआ था और एक हाथ में मधु और दूसरे हाथ में मांस का टुकड़ा था। फिर उन्होंने क्या किया, पैर से ही शिवलिंग को क्लीन किया और मुंह में रखे जल से कुल्ला करके उन्होंने महादेव का जलाभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पित किया। हालांकि उनका ये कृत्य उचित नहीं था और वो सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषिद्ध थी, यानी कि वो हमारे विरुद्ध था, लेकिन उनका मन पवित्र था, उसे कोई खोट नहीं था उसके मन में कि मांस चढ़ाएंगे तो भगवान रूठ जाएंगे, कुल्ला से जलाभिषेक करेंगे तो भगवान रूठ जाएंगे, पूजा के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था और उनका मन बहुत ही पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उनको प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब ये कनप्पा का रोज का काम हो गया। वो प्रतिदिन उसी प्रकार से पैर से पत्ते को साफ करते थे, मुंह में कुल्ला पानी लाते थे और कोई ना कोई जानवर को मारकर उनके ऊपर चढ़ाते थे और शहद, ये डेली का काम उनका बन गया। रोज़ की भांति कनप्पा वहाँ आए और उन्हें पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े पुष्प हटाए, कुल्ले से उनके अभिषेक किए और फिर शिवलिंग का मांस और मधु चढ़ाया शिवलिंग के ऊपर। पुरानी मन का ये कृत उचित नहीं था और वो सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं थी, लेकिन उनका मन बहुत ही पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उनका प्रसाद स्वीकार किया। अब ये कनप्पा का रोज का काम हो गया। वो प्रतिदिन उसी तरह प्रकार से पैरों से पत्ते साफ कर मुँह के कुल्ले से शिवलिंग का जलाभिषेक और उसे मांस और शहद अर्पण करते थे। जंगल के एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी भी आए थे जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कनप्पा के पूजा करने के बाद अगले दिन जब वे आए तो देखा कि पूरे मंदिर में वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हैं। वे बड़े दुखी हुए। कौन दुखी हुए? वो पुजारी। और तत्काल मंदिर को जल से धोकर पूजा की और स्वच्छ पुष्प चढ़ाकर चढ़ाए, किंतु जब रोज़ रोज़ उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा, ये देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पता कर के रहेंगे कि कौन है जो रोज़ मंदिर को अपवित्र करता है, कौन मांस चढ़ाता है। यह सोचकर वो रात को वहाँ रुक गए। रोज़ की भांति कनप्पा वहाँ आए और उन्होंने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर
चढ़े पुष्प हटाए, कुल्ले से उनका अभिषेक फिर किया और शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाए, यानी कि हनी। पुरानी मंदिर के एक कोने से छिप कर देख रहे थे कौन? पुजारी। उन्होंने यह देखकर बड़ा क्रोध आ रहा था और बहुत ही घृणित पद्धति से पूजा करने वाले ये भला महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। वे पुजारी भी महादेव के भक्त थे, इसलिए अपने भक्त का अभिमान भंग करने के लिए उन्होंने एक लीला रची। कनप्पा ने देखा कि अचानक शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा। अपने आराध्य की ऐसी दशा देखकर वो अत्यंत दुखी हुआ। उसने पास पड़ी जड़ी बूटियों को शिवलिंग के आंख पर लगाया, किंतु रक्त बहने का नाम ही रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उधर छिप कर सब देख रहे उस पुजारी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। उनको लगा कि अवश्य ही कनप्पा की इस कृत्य से महादेव अप्रसन्न हो गए, यानी कि ऐसा काम कर रहा है इसलिए महादेव गुस्सा हो गए, अप्रसन्न हो गए और उनके नेत्रों से रक्त बह रहा है। उधर कनप्पा मारे दुख के रोने लगा। तभी उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपनी एक आँख इस पर लगा दूँ तो शायद रक्त का बहना बंद हो जाए। यह सोचकर उन्होंने अपने एक बाण से अपना एक आँख निकाला और शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया, इससे रक्त बहना बंद हो गया। कनप्पा की प्रशंसा का ठिकाना ना रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। अब तो कनप्पा को इसका उपचार मिल चुका था। उन्होंने सोचा कि एक आँख से जब रक्त निकल रहा था तो मैंने अपना एक आँख निकाल कर लगा दिया तो वो छूट गया, तो दूसरे आँख से भी रक्त बह रहा है तो दूसरा आँख भी निकाल के रख देंगे। और तभी उसने अपने बाण से अपना नेत्र निकालने का प्रयत्न किया, दूसरा नेत्र। तभी महादेव स्वयं प्रकट हो गए वहाँ पर और उसका हाथ पकड़ लिया। अपने आराध्य को दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उनके दोनों नेत्र ठीक कर दिए। तब बाहर छिप कर सब देख रहे ब्राह्मण भी अंदर आकर महादेव के चरणों पर गिर पड़ा। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज पता चला कि कनप्पा ने मेरा ये अभिमान तोड़ दिया है। इनके कारण ही मुझे आज आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। आज मुझे समझ आ गया कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से बिल्कुल नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से अभी जाना जाता है। मान्यता है कि भक्त राज कनप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपना नेत्र अर्पित किया था। तो भाई लोग, कैसा लगा ये मेरा रिएक्शन और ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखें।